वो ठंडा बोतल तो मुझे मिला नहीं, कहाँ पे रखा है तुमने? अंदर रखा था। देखो तो जरा, मुझे तो मिला नहीं वो ठंडा बोतल। सो वेलकम टू माई इंस्टाग्राम लाइव एंड एट प्रेजेंट आई एम, और एक गिलास भी लेकर आना। ओके, क्या हुआ मिला? जरा मैं इसके ऊपर नींबू निचोड़ रहा हूं ताकि टेस्ट आए। गिलास, ओके ठीक है, थैंक यू। अभी ये लेकर जाओ, अनवांटेड चीजें। ओके, जैसे ये, उसके बाद में कागज के टुकड़े, ये सब लेकर जाओ। ओके, और इसको थोड़ा धो देना अभी, इधर इसी पानी से धो दो इसको, इसको लेकर जाओ, ऐसे ही करके धो के फेंक दो। ठीक है, थैंक यू, एंड टेक दिस आल्सो। ओके, चलो। तो एट प्रेजेंट आई एम ऑन इंस्टाग्राम लाइव एंड मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने हेल्प की है। गोल्डी, एक मिनट मुझे जरा तुम्हारा मोबाइल देना खोल के, हम देखेंगे, क्योंकि मुझे सब लोगों ने कहा है भेजे, और वो बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब वो झूठ नहीं कहेंगे ऐसे। एक मैडम है, उन्होंने 1000 भेजे। कितना? 1000। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे एक चम्मच दे देना, मेरा चम्मच अंदर है। सो अभी मैं जस्ट खाना खा रहा हूँ एंड मैंने मूंग दाल की ढिल्ली खिचड़ी बनाई है। क्या हुआ? हाँ, ये ना, क्या हुआ? ये 100, इसने 5 रुपए। नहीं नहीं, अरे वो मैडम ने भेजा है। कौन सी? टोटल हिस्ट्री में जाओ, हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री में जाओ, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, बैलेंस हिस्ट्री में जाओ, चेक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये देखो। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये है। अच्छा ठीक है, इसने भेजा 1000। ये देखो, रिक्वेस्ट भेजिए। देखो, अच्छा रिक्वेस्ट से हुआ। ओके, बाकी ये जो है इसने 3100 भेजे हैं। इसने कुलदीप मलिक, ये उसने जिसने स्कैम किया ना, वो उसका ही है। अच्छा, उसके वहाँ पे संजय गंसाई, ये भी बिटकॉइन जो मैंने आपको बताया, ये संजय सर ने मेरी सैलरी डाली वो तो, लेकिन जिसने स्कैम किया ये वो बिटकॉइन मैंने के लिए दे, ये तो 2750 97 6.5 ना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। एक बार ये देखो, एक, अच्छा ठीक है, रुको। तो आपको क्या सिर्फ अभी तक 2 ही आए ऐसे? बस यही। सच्ची? समझा, ठीक है मैं बात करता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे जस्ट है ना इसका ये निकाल के देना, क्योंकि तुम थे नहीं, इसका जस्ट छिलटा निकाल के देना, क्योंकि मेरे पास चक्कू नहीं था तो मैंने ऐसे ही नीलकटर से किया, और छिलटा और ये फेंक देना। ओके, सो वेलकम टू माई इंस्टाग्राम लाइव, और मैंने बहुत सिंपल खाना बनाया है। मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है जो कि बहुत ढीली है, यू कैन सी लाइक यू नो इट्स वेरी सॉफ्ट एंड ऑल, और मैं बड़ी की सब्जी खा रहा हूँ। बड़ी मतलब जो धूप में सुखाते हैं, तो ये हिमाचल की बहुत फेमस सब्जी है। नहीं रहने दो, इधर रख दो, हाँ रख दो, और इसका ये ऊपर का भी ऐसे निकाल दो, ये इसे तो ये हिमाचल की बहुत फेमस सब्जी है। तो हिमाचल में ये घर घर में बनती है, तो मुझे मेरे ओनर ने ये दिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इस तरह से सब्जी है, तो इसको आप बड़ी की सब्जी कह सकते हो। तो ये मैं जस्ट थोड़ी सी खाने वाला हूँ खिचड़ी के साथ, एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई ईट वेरी सिंपल फूड इन अ वेरी लेस क्वांटिटी। सो या मैं खाऊंगा, बट आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विथ यू गाइज, एंड यू कैन सी मेरा ये खाना कैसे है। आई विल जस्ट शो यू, इट इज वेरी सिंपल फूड, इट इज जस्ट सी दिस इज जस्ट द खिचड़ी
this is the sabzi and I'm having some pyaaj out here and that's it. And trust me, matlab main khana kha raha hu, but I'm not hungry at all. मतलब मैं ये खाना ज़बरदस्ती खा रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है. आई वॉज हैविंग माई विस्की, नाउ हैविंग माई बियर. मतलब मुझे बिल्कुल मूड नहीं है खाने का, लेकिन मुझे ओनर ने कहा कि आपको ये खाना खाना पड़ेगा. उसने मेरे चॉइस का ये बनाया है तो मैं ओनर के कहने से खा रहा हूँ. अदरवाइज आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड टू हैव फूड बिकॉज इट्स वेरी वेरी बोरिंग फॉर मी टू हैव फूड. मतलब आप अगर मुझे पूछोगे कि दुनिया की सबसे बोरिंग चीज़ क्या है तो मेरे लिए वो खाना खाना है. इट्स रियली वेरी बोरिंग फॉर मी. और जो लोग खाने के शौकीन है, मतलब मैं उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता हूँ ना उनके साथ बात करता हूँ, और मुझे बहुत बोरिंग लगता है खाना खाना. बहुत ज्यादा बोरिंग है मेरे लिए. Get it.
हेलो, क्या हुआ? कब तक कर दोगे पेमेंट? कर रहा हूँ, घर पहुंच के कर रहा हूँ। ठीक है, कितना करोगे? 10 मिनट दे, 10 मिनट। कितना करूँ बता? 5 कर दो। 5 हजार 5,000। 5,000। अच्छा, घर पहुंच के कॉल कर रहा हूँ, कॉल उठा। ठीक है, ओके, चलो बाय। हाँ दीपक, क्या हाल है? तलवार क्या हाल है? किसके साथ फ्रॉड हुआ है? अपना जो भाई है उसके साथ 6,000 का फ्रॉड हुआ है। हाँ, तो कैसे? एक्चुअली बिटकॉइन करके कोई है, तो उसने पैसे भेजे वहां पे 6,500। उन्होंने कहा कि रात को बिटकॉइन के रेट्स बढ़ने वाले हैं, अच्छा। आपका ये बढ़ जाएगा। फिर वो बंदे को 6,500 का नुकसान हुआ है, तो ओहो, सब थोड़ा भेज रहे। मैं चाहता हूँ कि आप भी भेजो। ठीक है, मेरे को अपना, मैं आपके उस पर भेज दूँ गूगल पे? अच्छा, मेरे पास आप उसको भेजो ना। गुल्डी को? हाँ, भेज दूंगा। कितना पैसा गया उस बेचारे का? 6,500। ओह माय गॉड। वेट, और बता। सो टायर्ड यार, आज मैंने 12 बजे हमारा काम खत्म हुआ, पूरी रात नहीं सोया यार, तो अभी मैं जस्ट सो के उठा गया हूँ। मैंने आपको QR कोड भेज दिया है, तो आप अभी पे करोगे तो फिर मैं लाइव में शो कर पाऊंगा। ठीक है, आप क्या खा रहे हो? मुझे दिखाओगे आप क्या तो खा रहे देखो, हो? मैं एक्चुअली बड़ी खा रहा हूँ। ये हिमालय बड़ी है, तो मेरे ओनर ने मुझे दी है ये। और ये ओ एक्चुअली धूप वाओ, में सुख तरह से होती है, तो अच्छा मैं अच्छा तो मतलब बहुत ही कम खा रहा हूँ। और ट्रस्ट में, मुझे भूख भी नहीं है, बस यही मैं खा रहा हूँ। बट मैं मतलब बिल्कुल भूख नहीं, लेकिन फिर भी मैं खा रहा हूँ। यू नो, तुम्हें तो पता है मतलब मैं खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे दीपक, यू आर लुकिंग डैम हैंडसम यार, व्हाट अ अब ब्लैक क्या, शर्ट। थोड़ा बहुत खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो क्या है। तो बट तूने सुबह से पहली मील खा रहा है तू? मतलब मुझे फूड में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है नहीं तो तू सुबह से पहली मील खा रहा है क्या? यार। मतलब मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है यार, अच्छा जी। और मुझे लिटरली भूख ही नहीं लगती है। मतलब हाँ, वो तो मुझे पता है। मैं ये लिटरली जबरदस्ती खा रहा हूँ। ये भी मतलब इतना सारा तो मैं नहीं खाऊंगा, शायद मैं आधा ही खाऊंगा। अच्छा। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत खाता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे। परसों मैंने इतना खाना खाया, बाप रे बाप। मतलब ओनर ने मुझे कहा आप तो पूरे वीक का खाना। मतलब मैंने क्या किया, हम लोग एक्चुअली तुवर की दाल बनाते हैं, या मूंग की दाल, धुली मूंग की दाल, और उसके बाद तो बिल्कुल पानी डाल के पतला करते हैं मिक्सर में। हाँ, के बाद में हम लोग रोटी के टुकड़े बेल के उसके अंदर डाल के उबाल के खाते हैं, और वो वाओ, टेस्टी लगता है। मैंने पूरा कुकर खत्म कर दिया। ही सेड, ओ माय गॉड, आप तो कितना खा रहे हो। बट अच्छा, बस वही मैं बाद में फिर 2-3 दिन से लाइक नो, आई एम जस्ट नहीं, तेरा खाना तो वैसे भी बहुत सुपर लाइट होता है ना, तो तू अदरक डालता है ना, कुछ डालता है ना, टमाटर डालता है, सब कुछ लाइट ही होता है तेरा तो वैसे भी यार। और बियर पी रहा है? या आई एम जस्ट हैविंग बियर, ओके। विस्की नहीं लिया बिकॉज़ आज? सारे ड्रिंक्स आ रहे हैं दिल्ली से, यू नो। मतलब मेरी अच्छा, टेबल की पेटी आ रही है। कौन सी पेटी?
आ रही है ब्लैक लेबल की, मुंबई से समवन इज गिफ्टिंग मी। ओह वाओ, तो कब पहुंचेगी तुझे? तो ब्लैक लेबल की पेटी आ रही है, तो मैंने लाइक यू नो, फिर ये तो बियर वगैरह मुझे यहीं पे छोड़ देगा। अच्छा, तो इसीलिए फिर नहीं, सही है। और आप दिल्ली कब आ रहे हो? See, of course, Delhi, I want to come because I want to shoot my songs, number one. मेरे दो सॉन्ग्स और हैं, दीपक कलाल विधायक और दीपक कलाल प्रधान। अच्छा, मैंने आज क्वेरी रेस की है, मैंने ताज पैलेस होटल में और आईटीसी मौर्या में आपके लिए, तो वो मुझे कल तक गेट बैक होंगे। मेरी सुबह बात हुई है मैनेजर से, वो कहते हैं कि दीपक कलाल हैं तो कोई स्पेशल रेट देंगे बिकॉज़ ही इज अ सेलिब्रिटी एंड ही नीड मिनिमम 3 to 4। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा रेट दिया है, मतलब उन्होंने मुझे फैसिलिटी बहुत दी है जो मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया, मैंने बहुत हाई दिया है। तो अगर अच्छा जाता है रेट, तो हम लोग भी ताज पैलेस एक महीने के लिए या फिर आईटीसी मोरिया हम लोग एक महीने के लिए बुक कर सकते। ठीक है दीपक, तो मैंने आज क्वेरी रेस की है, तो कल तक रिप्लाई आ जाएगा, तो मैं तुझे बताता हूँ कि क्या कॉर्पोरेट रेट्स वगैरह वो हमें दे रहे हैं, बिकॉज उनके हिसाब से तो एक सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा और ऑलरेडी उनके पास प्रॉपर्टी में आया हुआ है, और वो कहते हैं इतनी भीड़ जमा हो जाती है दीपक की वजह से, तो हमें 3 से 4 बाउंसर भी अरेंज करने पड़ेंगे इसकी सिक्योरिटी के लिए। कहते हैं इसके बिना हम नहीं इनको अकोमोडेट कर पाएंगे, बिकॉज बाउंसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि दो इनके रूम के बाहर खड़े रहेंगे, एक पार्किंग में खड़ा रहेगा और एक लॉबी में खड़ा रहेगा, 4 बाउंसर्स सिक्योरिटी, क्योंकि मेरे ऊपर अटैक हुए हैं दिल्ली में। हाँ, तो इसमें वगैरह 4 बाउंसर्स भी देंगे, यू नो, वो पैकेज जो बना के देंगे उसमें 4 बाउंसर्स का भी रेट होगा, यू नो। एंड हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज फाइन, आई एम इन माय ग्रेटर कैलाश वन दिस थिंग, सी माय रूम, द एसी इज ऑन एंड आई एम इन माय ब्लैंकेट एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल दिस थिंग एंड आई एम जस्ट चिलिंग अराउंड ओवर हियर। मैं आराम कर रहा हूं, ये चार्जर लगा हुआ है। बस आज पूरा दिन सोया है यार, 1 बजे फ्री हुआ था दोपहर को, पूरी रात नहीं सोया, शिफ्ट थी सुबह, फैक्ट्री जाना था, उसके बाद फिर अभी सो के उठा हूं बस यार 15 मिनट पहले। ओके, और तू बता मौसम कैसा है वहां पर? अमेजिंग, आई टेल यू, आई एम, मैं कश्मीर में रहता था बट वहां पे बहुत ठंड होती थी। मुझे हैंडलूम्स वगैरह, गुलमर्ग में, आई यूज्ड टू लिव इन गुलमर्ग, एंड इट वॉज सुपर कोल्ड और मुझे हड्डियां दुखती थी, बट यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना तो हैंडलूम्स पहनने पड़ते हैं ना मुझे स्वेटर्स लगाने पड़ते हैं, तो आई एम रियली वेरी। हाँ, बड़ा कूल वेदर है, मैंने तुझे कभी स्वेटर पहने ही नहीं देखा। तो यहाँ पे फैन भी नहीं लगता ना कुछ। हाँ, सही है, बढ़िया है। okay. यहाँ पे फैन लगते हैं जून में। अच्छा अच्छा, और वो भी कैसा है कि दोपहर में थोड़ा फैन लगता है 2-3 घंटा, उसके बाद में रात को मौसम वापस खुशनुमा हो जाता है। अच्छा, तो दीपक, आज जो तेरे साथ में जो तेरा कैफे है, जो जिस जिनका ऑलरेडी तेरे साथ टाई अप है और जो तेरे से प्रमोशंस कराते रहते हैं, तो जो तेरा ही कैफे एक तरीके से, तो तू अपने कैफे में आज जाएगा चिल करने, जैसे तूने कल रात के 4 बजे तक चिल किया था वहां पे? I don't know, you know, मतलब अगर मेरा मूड होगा, देखो मेरा कैसे है कि मेरा मूड अगर 3 बजे होता है रात को, तो मैं उसको फोन करता हूँ कि मेरे लिए कैफे खोल, वो अकेले के लिए मेरे लिए खोलता है। हाँ, मुझे पता है, that is a private cafe for yours, I know that. So, I can go anytime according to my convenience. तो मेरा ऐसे नहीं, जैसे समझो खाना खाने के बाद मेरा सोने का मन करता है, और मैं रात को 2:30-3 बजे उठता हूँ, तो मैं कैफे के ओनर को कहूंगा कि कैफे खोल। अच्छा, मतलब ये नहीं कहूंगा कि कैफे खुले, कैफे खोल, बिकॉज़ यू नो इट्स लाइक माय कैफे, बिकॉज़ वो आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं, तो फिर वो तो खोलना ही पड़ेगा ना, आप ही तो उनको सारा फंडिंग दे रहे हो, सारा कुछ तो आप ही की वजह से हो रहा है, तो फिर ऑलरेडी इतने तो फिर रिकॉर्ड करना ही पड़ता है ना, 5-5 हुक्का लगा देते हैं आपके लिए, मैंने तो सारा देखा हुआ है ना, मैंने तो सारा सिस्टम देख के आया था मैक्लोडगंज में, आपका जो सिस्टम है। मैं आपको कुछ मैसेज कर रहा हूं। ओके,
और दीपक तेरे एलए वाले फ्लैट का क्या हालचाल है? एलए के जो तेरे फ्लैट से जो रेंटल इनकम आती है उसका क्या हालचाल है? सब ठीक चल रहा है? दीपक आज तो हयात नहीं जा रहा? तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू हयात बिकॉज़ यू नो मैं हयात में तब जाता हूं जब मेरा मूड करता है डिनर करने के लिए, तो फिर मैं हयात चला जाता हूं। ओके तो आज तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो 10-12 हजार रुपए का डिनर करके क्या फायदा वहां पे, है ना? सही बात है, इतना तो लास्ट टाइम भी तूने 17,000 का बिल फाड़ा था, मुझे याद है। हयात में हमने कितना ड्रिंक किया था? 17,000 का बिल आया था। हाँ तूने भरे थे 17,000 रुपए। तो आज तो मुंबई से भी दो कॉल आए थे तेरे को, तेरे लिए, मुझे पार्टी करवाने के लिए तेरी। No, but I'm not interested to go to Bombay. I know that. तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा he don't care for. मुझे invitations है, but मैं दुबई इसीलिए नहीं जा रहा हूँ because now Dubai is extremely hot, you know. Yeah. So I'm not interested to go to Dubai. It's extremely but वहाँ तो Deepak सारा centrally air conditioned ही है, वहाँ तो तू जा सकता है। I know. बात नहीं है, मैं अगर Dubai जाता हूँ, मैं कहूँगा कि मैं समंदर किनारे घूमूँ and all that. तेरा तो VVIP treatment है वहाँ पर, तेरे yachts हैं, सब कुछ है, तेरे friends हैं, इतना सारे तेरा system है, अच्छा system है तेरा Dubai में। नहीं, मेरे तो friends के खुद के helicopters हैं। या मुझे मालूम है। मेरा एक दोस्त है अमीर मर्चेंट, तो उसके खुद के हेलीकॉप्टर है। ओके, आई वुड लाइक टू टेक मनीष ऑन कॉल। दीपक स्पा वगैरह पे चलना यार, कभी स्पा चलते हैं ना, मेरे को मेरा भी मकलोड़ का जाने का बड़ा मन है। लेट्स गो टू सम बॉडी मसाजेस एंड स्पा। ये मैंने रोजियाट में 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए स्पा पे। हाँ तेरा बिल काफी था यार, तो हर अल्टरनेट डे पे जाता था ना यार। स्पा, फुट मसाजेस, ये मसाज, वो मसाज, थेरेपेटिक मसाजेस, बहुत कुछ। 1.5 लाख का तो मेरा मसाज का बिल हो गया। हाँ जी, और दीपक आज तू अच्छा सोया? किस टाइम उठा आज तू? ए दीपक, आप तो कहाँ पे हो मेरी जान? ये नहीं, मैं अभी डिनर कर रहा हूँ। अकेले अकेले डिनर? या और मैं बहुत कम खाता हूँ भाई, मतलब चिड़िया जैसे थोड़ा सा ही खाता हूँ। अच्छा, मैं ना दारू, कौन सी है वो ब्रांड दिखाओ भाई। रिंग करो, मैं करो ना भाई। भाई हेलो भाई, रुको एक मिनट, तू दिखाओ ये वाला है। वाओ, देख दीपक ये पिएगा। वाओ दैट्स नाइस, क्या बात है, भिजवाओ। नहीं मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया है। अब लेटर मैंने... है तेरे को? हाँ लेटर है कि नहीं है? देखो मैंने अभी क्या ऑर्डर किया, मैं देख, मेरे पास माचिस है। अरे मैंने 6 ऑर्डर किया, पिता है इतने पैकेट दिखाया मगर लेटर नहीं है तेरे पास में। हाँ वो लेटर था मगर जल नहीं रहा था, सही है? अरे मैंने अभी 6 लाइटर ऑर्डर किए। हाँ तो गांड में भी अटका के रख लेना, ठीक है? तुझे दिखाऊं मैं अभी मेरे कमरे में 6 लाइटर मैंने ऑर्डर, ठीक है? सॉरी सॉरी। ओके मेरे को भी थोड़ा खिलाओ ना दीपक भाई। देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, मेरे पास अभी मैंने लाइटर्स ही लाइटर्स ऑर्डर। शेखर अच्छा किया आपने, 6 लाइटर ऑर्डर किए। सी ये देख भाई, कितनी सारी महंगी महंगी सिगरेट्स है यार। ये देखो ये सिगरेट्स ऑर्डर किए, मैंने लाइटर्स भी मैंने ऑर्डर किए। वो महंगी नहीं है सिगरेट, 50 रुपए की मिलती है पैकेट। अरे नहीं, 350 का है, मतलब बाहर 300 में, यहाँ पे 350 रुपए।
पीती है सिगरेट? अच्छा, मैं तो वही पीता हूँ, 555। अच्छा अच्छा जी। दीपक को पूछो, दीपक मेरी जान है, मैं इसकी जान। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी बॉडी दिखाओ फैंस को। अभी यार रात में भी बॉडी, दिन में भी बॉडी, क्या भाई 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 हूँ क्या मैं आपका? अरे मतलब तुम्हारी बॉडी देख के मुझे सरूर आता है। सरूर आता है? तुम इनको देखो, रोम रोम मेरे। ओ वाओ, दावा माय बढ़िया। और यहाँ पे ना बारिश हो रही है, बारिश। हाय बोलो। बारिश के मौसम में अभी देखो, ठीक है। तो दिल्ली के जो भी प्रोग्राम वगैरह है वो सब यही मैनेज करता है, तो आप आपके क्लब के बारे में बताना कि आपका क्लब कितने वाला है। किसको बात कर रहा है दीपक? मैं विनय। कहां पर है भाई आपका क्लब, कहां पर है? रिची रीच करके है उसका ओपन क्लब है, ये मैं जानता हूं। मुझे बताना ही नहीं है क्या हुआ। तलवार, तलवार ने मुझे बताना ही नहीं। आपने पहचाना? ये कोको के मालिक है। अरे कितना काम हुआ। अरे कैफे में, दूसरे लंबे जाना पड़ेगा, कैफे में बैठा हूँ, कैफे में हूँ। अच्छा ये देख मेरा भाई, रोम रोम भाई कैसे हो, क्या नाम है इनका? ओ, ये उनका ही पूरा होटल है, देख। आपके नेट में इशू है क्या? खा रहा है तो मैं तो? आपके इंटरनेट में इशू है, एक मिनट। विनय आपको लाइव पर आओ। दीपक मुझे तेरे को खाता देख के तो भूख लग गई है यार, इतना यमी खाना खा रहा है तू यार। मैं तो बहुत ही सिंपल खा रहा हूँ। But it's so yummy यार, मुझे याद है लास्ट टाइम मुझे खिलाया था तूने, it's so yummy यार। अच्छी है वाली, ये टेस्टी है जो तू डिश खा रहा है, ये अच्छी है। Yeah it's good but you know I don't like oily, I don't like spicy. Okay. Okay. मतलब मैं तो अभी एक दूसरा खाना खाने जा रहा हूँ। कौन सा? डालने वाला हूँ थोड़ी मूंग दाल की खिचड़ी और ऊपर से थोड़ा देसी घी डालने वाला हूँ, दैट्स इट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ वो जो तेरा स्टेपल फूड तो वही है, वही खाता है नॉर्मली तो। ओके तो मुझे वो ज्यादा पसंद है। नहीं सही है, सही है। और तो चलो दीपक, हाउ इज योर मॉम, हाउ इज योर मॉम, हाउ इज योर डैड, हाउ इज एवरीबॉडी इन योर फैमिली? एवरीबॉडी इज फाइन, बट यही है कि हमारा जो कनाडा का घर है ना, जो कनाडा का हमारा बंगला है जो हमने रेंट पे दिया है। हाँ रेंट पे जो दिया हुआ है। हाँ जी। तो उसका जो टेनेंट है, वहाँ पे उसने कुछ ड्रग्स का इशू किया, झगड़ा किया ड्रग्स। ओह हो माय गॉड, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ? तो पुलिस कंप्लेंट हो गया। तो अभी कैसे है कि हमारे कुछ दोस्त है वहाँ पे, स्टेट एजेंट एंड ऑल दैट, तो मुझे कनाडा से कॉल आया। हाँ। कि आपका जो बंगला है जो आपने रेंट पे दिया है टोरंटो में कनाडा में, तो वहाँ पे हो गया। फिर ओके। फिर इसीलिए तो कल में लाइन नहीं गया, कल में क्यों नहीं लाइन ओके गया? ओके हाँ 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 ओके, दैट इशू रिजॉल्विंग इट आउट। हाँ अब हो गया, रिजॉल्व हो गया वो इशू यार, रिजॉल्व हो गया। मैंने पुलिस को कहा कि ये वो, मैं इंडिया में रहता हूँ। देखो इंडिया में रहने के बाद कनाडा की प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं, इट्स रियली लाइक टफ जॉब, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। एक्चुअली एक्चुअली इट इज अ पेन इन द एस, इट्स लाइक अ पेन इन द एस। तो जितने भी लोग हैं उनको मैं कहूंगा कि आप जिस कंट्री पे ज्यादा समय तक रहते हो वहीं पे प्रॉपर्टी लो, क्योंकि मैं बंगला टोरंटो पे रेंट दिया है, मैं यहाँ पे इंडिया में। हाँ कोई फायदा नहीं है दीपक, कोई फायदा नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा कनाडा का बंगला में भेज दूँ। भेज दे,
जब नहीं संभल रहा तो बेच दे फिर। लेकिन तुम्हें पता है मुझे बहुत कम मिल रहे हैं, सिर्फ 80 करोड़। इतना बड़ा बंगला है उसके 40 कमरे, 80 करोड़ मिल रहे मुझे सिर्फ 80 करोड़ रुपए। सिर्फ 80, 40 कमरे है मेरे, कम से कम 1 करोड़ 120 करोड़ तो मिलने चाहिए ना दीपक। हाँ वही तो, जो मार्केट अभी रिसेशन भी बहुत चल रहा है ना वहां पर, चक्कर ये भी है ना यार, मतलब ऐसे ही भिखारी मुझे मिल रहे। कोई भिखारी कह रहा है 80 करोड़, कोई कह रहा है 70 करोड़, सब ऐसे भिखारी मिल रहे मुझे। यार तू मुझे बता, इतना बड़ा बंगला है और अगर आपको उसके सिर्फ 80 करोड़ मिल रहे तो क्या फायदा फिर ऐसे? कोई फायदा नहीं है दीपक, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे प्रॉपर्टी को आग लगा के फूंक देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे, तू तो इतनी चैरिटी करता रहता है, वैसे भी इतने डोनेशंस करता रहता है, तू अगर दे भी देगा तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा यार? अब वो बात अलग है। You got a golden heart, तेरे इतनी दया भावना है तेरे अंदर के मैं बता नहीं सकता। आज नहीं, वो भी तूने गोल्डी के लिए कितना शाउट आउट किया यार, नहीं तो किसको क्या पड़ी है? कोई नहीं करता ऐसे यार जो तू करता है, यू नो, कोई भी नहीं करता ऐसे। इतना पेन लेता है तो सबके लिए, स्पेशली अपने जो तेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, जो तेरे लिए काम कर रहे हैं, जो तेरे अंडर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो इतनी पेन लेता है, यू नो। ओके, इट्स सो नाइस, सो स्वीट ऑफ यू, यू नो। अगर सारी दुनिया ऐसे तेरे जैसे बन जाए तो मैं तो कह रहा हूँ पूरा सतयुग ही आ जाएगा इस दुनिया में, यू नो, कलयुग चला जाएगा। और तुम्हारा खाना वगैरह हो गया? अभी होगा दीपक, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुक बना के गई है मॉर्निंग में, क्योंकि मैं 1 बजे दोपहर को फ्री हुआ था, उसके बाद मैं 2 बजे सो गया था और मैं अभी उठा हूँ बस 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले। तो मैं देखूंगा वो क्या बना के गई है, फिर मैं थोड़ी देर में कुछ खाऊंगा। बड़ा मिसिंग मकलोडगंज यार, तू बहुत अच्छी जगह है यार, रियली यू आर एट अ वेरी नाइस प्लेस। दिल्ली इज वेरी हॉट और मुझे वो एसी की हवा बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। मुझे आज थोड़ी हवा, मॉर्निंग में थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी आज, ऐसा नहीं है तो जो ना सब सेंट्रलाइज ऐसी है, यू नो, मेरी जितने भी बंगलोज है हमारा, हाँ हाँ हाँ, वो है समंदर किनारे, वहाँ पे भी हमारा है। ओके ओके, और तू अभी वीकेंड में क्लबिंग करेगा वहां पे, जो तेरे इतने सारे क्लब्स तूने एक्सप्लोर किए हैं या कुछ करने जा रहा है? आई डोंट लाइक टू गो फॉर क्लबिंग बिकॉज़ मुझे ऐसे क्लब्स में जाना पसंद है जहां पे मेरे गाने बजते हैं। ओके, यूपी में आ जा, यू नो, मतलब वो क्लब्स में मुझे अपनापन लगना चाहिए, समझ में आ रही तेरी बात? अगर और वो पूरी रात मेरे ही गाने बजने के, दूसरे किसके और गाने? दीपक कलाल कटोरा, दीपक कलाल कटोरा यूपी में आ जा, धाकड़ छोरा उसके बाद छोरा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ही गाने बजने चाहिए, मैं उसी डिस्को में जाऊँ। नहीं ठीक है, तेरे फंडे क्लियर हैं, यू आर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, यू नो व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू, इट इज वेरी क्लियर। आई मीन ऐसे डिस्को में क्या जाना जहाँ पे आपके गाने नहीं बजते हो, बताओ? कोई फायदा नहीं है, ये तो मतलब एकदम जिल्लत भरी जिंदगी है। हाँ तेरे खुद के इतने सारे गाने हैं तो फिर ऑलरेडी तू चाहेगा ना कि तेरे गाने बजे वहां पे, ऑब्वियसली है। आप कहाँ चल रही है ऑटो पे? आप कहाँ चल रही है हमें छोड़ के? She is in Mumbai or in Delhi? Are you in Mumbai or you are a Delhiite? Are you Delhiite or you are a Mumbaiite? कहाँ पर, कहाँ की हैं ये? दिल्ली की हैं कि मुंबई की हैं दीपक? देखो इसका कैसे, जहाँ पे कस्टमर जाता है वहाँ पे ये चली जाती है। Okay, okay, okay. Okay, my God,
she's typical, you know. She's typical. मतलब इसका कुछ ऐसे फिक्स नहीं है. ओके. तो अभी इनको कहाँ का ग्राहक लगा हुआ है? देखना कौन सी जगह है. लखनऊ है क्या? देखना कौन सी जगह में है. लखनऊ लग रहा है मुझे तो. ये कुछ बता भी नहीं रहे. आई थिंक इन्होंने म्यूट कर रखा है अपना सिनेरियो. आपको हमारी बात समझ आ रही है? यू भिखारी. हेलो बोलदी दीपू. आई एम गोइंग टू माय ऑडिशन. आपको हमारी आवाज समझ आ रही है मैडम? मैडम अर्पना कल्पना मिंग छाबड़ा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं गाइस, मैं कॉकटेल पार्टी में नहीं जा रही हूँ. तो आप अभी कौन सी सिटी में हो? मुंबई में हो कि दिल्ली में हो? पुणे में. पुणे. अच्छा पुणे में हो आप. ओके ओके. तो आप इनके शहर से हो जहाँ से दीपक बिलोंग करते हैं बेसिकली. कैसा मौसम है पुणे में? मौसम कैसा है पुणे में? Can't able to hear anything. Not audible to us. दीपक की आपकी कौन सी बियर चल रही है? दूसरी की तीसरी? नहीं मैं अभी बहुत कम पी रहा हूँ. मतलब समझो पीने पहले. हाँ लेकिन दो. अच्छा पहली बियर. आधा बोतल विस्की पी. ग्रैंड फिनिच. ओके ओके. ग्रैंड फिनिच इज अ वेरी रिफाइंड स्कॉच यू नो. It's a very expensive and a very refined scotch. कितने का आता है? 12,000 की बोतल है ना I think. हाँ 12,000 की है. तो मैंने मैंने अभी और 6 बोतल मैंने ब्लैक लेबल ऑर्डर की है और 6 बोतल मैंने ग्रैंड फिनिच ऑर्डर की. आ जाए. Oh my my. Okay. तो दीपक ये तो 1.25 लाख का बिल ऐसे ही बन गया तेरा. 1.5-1.5 लाख की तूने तूने दारू मंगवा ली है यार. I mean it's okay यार. You know my family background. मेरी मम्मी जो है वो last birthday celebrate करती. You know my family background. Okay. Yeah yeah yeah. इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. इट्स अ टॉप शॉट गाय. सो यू लुक सो सो सेक्सी यार. ये ऑटो में ही सारे कपड़े बदल लोगे क्या आज? दीपक यू आर जस्ट परफेक्ट फिगर यू नो. यू हैव गॉट अ वेरी परफेक्ट फिजिक. Yeah, because I'm very particular about my food. मतलब मेरा dietitian decide करता है कि मुझे क्या खाना है. Dietitian का जैसे मुझे message आता है वैसे मैं खाना खाता हूँ. तो so he message you how many times in a day? Decide करता हूँ. मेरा dietitian decide करता है कि मुझे क्या खाना है. Okay. तो क्योंकि देखो अगर हम dietitian की नहीं सुनेंगे फिर हमारी जो body जो है आज मेरी उम्र 52 है लेकिन मैं 25 साल का लौंडा लग रहा हूँ. क्यों लग रहा हूँ? हाँ ये तो बात सही है. तो 25 साल का लौंडा लग रहा है. नहीं बात सही है. खूबसूरत शक्ल निकल के आ रही है तेरी. मतलब अच्छा खाना खाता हूँ. हेल्दी खाना खाता हूँ मैं. बाकी के लोगों जैसे खाना खाना मेरी हैबिट नहीं है. तभी तो एक्टिव भी काफी रहता है बिकॉज ऑफ दैट. या मतलब मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ. मैं पहाड़ पहाड़ ऐसे ही चढ़ जाता हूँ. क्योंकि हम कश्मीर के लोग हैं तो हमारे लिए पहाड़ चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है. कोई बड़ी बात नहीं है. राइट एग्जैक्टली. एनीवे आई हैव सीन यू गोइंग फॉर द लॉन्ग वॉक्स एंड द हाइकिंग एंड द यू नो ट्रैकिंग. यू ऑफनली गो देयर. सो देखो तुम क्या करो. 40 रुपए का बिल आया. पेटीएम करना है क्या या करवाना है जनता से?
₹40 का पेटीएम करना है या जनता से करवाना है? करवाना है। आपका क्या डिजाइनिंग का काम है क्या? हाँ जी, आई हैव अ डिजाइनर ब्रांड एंड आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन आल्सो। व्हाई नॉट, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? लहंगा, अनारकली, ड्रेप साड़ी, पेपलन, फॉल, अरेबिक, कफ्तान, व्हाट यू लाइक टू हैव? आई शॉल डू अ शूट फॉर यू। Whatever you like to have, you let me know. I'll provide you the same. I'll have a anarkali. Okay, sure. Tell me your size. You are extra small, small, medium, large. What size you are? ये लाइट एक सब खराब है क्या? What size you are, madam? मिंटू भाई आप क्या शॉपिंग कर रहे हो? दीपक बारिश हो गई धर्मशाला में, अभी ग्राउंड मैच बंद हो गया। यहाँ पे बारिश नहीं है, यहाँ पे मौसम बहुत खुशनुमा है। खुशनुमा है ये बात तो है। आप बारिश कर रही है दीपक, 49 रुपीस दिखा रही है। आपको पेटीएम चाहिए क्या जनता से, या हम आपको पेटीएम करके दें? आप चाहते क्या है? दीपक धर्मशाला में बारिश है तो फिर मैक्लोडगंज में भी होने वाली होगी यार। मैच बंद हो गया ग्राउंड का, मतलब यहाँ पे तो बारिश नहीं और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बारिश को कोई आसार भी नहीं। बिजली तो चमकती देखी थी मैंने पीछे। ओके ओके, व्हाइट कलर वो यहाँ पे आओ, अंदर अंदर आओ। क्या बोल? हेलो मनीष भैया, भाई आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। दीपक एक बार फिर से ऐड कर। Deepak, are you around or are you gone? Deepak, are you busy? ठीक है रखो, ये निकाल लो। क्या खा रहे दीपक? नहीं मैं जस्ट थोड़ी मूंग दाल की खिचड़ी और देसी घी बस इतना खा रहा हूँ मैं। I also want to see what you are eating. Please show us everybody. Okay, see what I'm eating is now is just I'm having a little moong dal ka khichdi aur uske upar maine desi ghee dala hua hai and that's it. Okay, okay. To yahi pe one chamach ya khana hai to kyunki ye sabzi mujhe thodi teekhi lagi. To maine to zyada khayi nahi wo sabzi kyunki mujhe wo thodi teekhi lagi. Pados mein ho na? Acha theek hai. So see, my food is like baby, you know, मतलब मेरे मुझे पैसे की कमी नहीं है, but my food is like baby. तब मैं बच्चे के जैसे खाना खाता। Yes, yes, yes. आपको मसाला बिल्कुल पसंद नहीं है, खड़े मसाले बिल्कुल पसंद नहीं है, बस कभी कभी आप थोड़ा बहुत सैफरॉन या इलायची का यूज करते हो, that's it. Yeah. That is also for the pure from Europe. Saffron from Europe. Not only for the Kashmir. अब यूरोप वाला सैफ्रॉन यूज करते हो मुझे पता है। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, देखो कश्मीर में मेरे ताल्लुकात है, लेकिन कश्मीर का जो सैफ्रॉन है सिर्फ हम जैसे सेलिब्रिटीज को मिलता है। ओके, लेकिन
आपके जैसे कॉमनर, आपके जैसे आम आदमी अगर सैफरत मांगेगी तो आपको वो नहीं देते हैं। देखो जो लोकल मिलता है, नकली माल मिलता है, जब हम लोग लेते हैं तो आप गरीब लोगों को वो जो मक्की के ऊपर जो धागा नहीं रहता है, हाँ जी, वो लोग रंग लगाते हैं और उसके बाद में वो आप लोगों को देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, तो उनको रियल सैफरन मिलता है। तो ये सिर्फ पहचान वालों के मिलता है। ओके। क्योंकि सैफरन बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, बहुत कम क्वांटिटी। आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स डैम एक्सपेंसिव। और उसकी खुशबू, ओहो हो हो हो, दीपक क्या खुशबू थी यार जो तूने मुझे चावल खिलाए थे लास्ट टाइम, मजा आ गया था यार। ने कहा था दैट वाज लाइक 70,000, मतलब इतना सा 70,000 का था वो जो मैंने तुम्हें खिलाया। आर यू सीरियस? हां 70,000 का वो थोड़ा सा, हां इट्स वेरी एक्सपेंसिव, गो फॉर द रियल सैफरन। और उसके बाद हनी खिलाया ना, वो 1000 का हनी था जो मैंने तुम्हें खिलाया प्लेट के ऊपर। डोंट टेल मी कितने का था हनी? वो 80,000 का था। दीपक ये तो हमारी सोच से, हम गरीबों की सोच से परे है यार ये सब चीजें, पता है तुझे? देखो इट्स नॉट अबाउट गरीब एंड सी, क्वालिटी देखना तू, उसकी जो क्वालिटी है उसको देखना तू। हाँ ये बात तो है, इट्स जस्ट मेल्टिंग इनसाइड द माउथ, जैसे मुंह में जाती मेल्ट हो जाती है यू नो। और उसके बाद में थोड़ा सा भी सैफरन डालोगे इतना वो टेस्टी होता है मिल्क में वगैरह। तो ये है कि देखो मतलब आप अगर कुछ साबित करें तो वो चीज अच्छी होनी चाहिए। ये मायने रखता है कि वो चीज 2 लाख की है। हाँ ये बात तो है, टेस्टी होनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अक्रॉस, या एब्सोल्युटली। देखो आप मुझे बताओ, 10,000 का सैफरन लेते हैं, आपको फेंकना ही है वो, क्योंकि 10,000 में आपको क्या अच्छी चीज मिलेगी। लेकिन यही आप सैफरन लेते हो और अगर क्वालिटी अच्छी है तो आई थिंक दैट देयर इज नो, देयर इज पॉइंट यू नो पेइंग 80,000। या एग्जैक्टली, बट दीपक यू कैन अफोर्ड इट, बट पीपल लाइक अस कांट अफोर्ड इट यार। तू तो देख अफोर्ड कर सकता है, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। कितने का है ये? 3,000 का बाजार है। अरे वो वाले को कितने 4,000 रुपए दे दो, ऐसे ही दे दो प्लीज। आई मीन इज अ पुअर पर्सन, जस्ट गिव हिम 1000 बक्स प्लीज। इसको 1,000-2,000 पे ऐसे दे दीजिए, 100 रुपए दे दो, वो गरीब है भिखारी है, उसको मेरी तरफ से। कितने का है? 4-5 दे दे भैया को, बताओ ट्रांसफर करेंगे। दीपू भैया, दीपक 5 दे दे। अरे फिलहाल में दिक्कत है क्योंकि मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, फ्रॉड हुआ है तो जिसके चलते मेरा UPI जो है इट्स नॉट वर्किंग। बट गरीब बंदा है और उसको 1,000-2,000 दे दो और फूल क्या लेने यार, बस तुम्हें खुशी मिल जाएगी कि तुमने किसी गरीब को दिए पैसे। भिखा लिए वो क्या है उसकी औकात, वो यहाँ वहाँ पे रस्ते पे घूम रहा है, उसकी औकात क्या है? उसको दे दो ना 1,000 रुपए प्लीज। भिखारी, ए भिखारी, इससे 1,000 रुपए ले। कितना है बताओ उनको, उनको बताओ कितना चाहिए। सोका पांच, तेज बोलो उनको, सुनाई नहीं दे रहा। सोका पांच, सोका पांच, ओ माय गॉड, इतना सस्ता भी कुछ मिलता यार? सो चीप दीपक, सो चीप मैन, मतलब यार इससे ज्यादा तो ये भीख मांग के कमा लेगा, इसको फूल बेचने की क्या जरूरत है? दिखाओ मैं, आई मीन ज्यादा तो तुम भिखारी बन के कमाओ यार। दीपू खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे खुशबू भिखारी को, भिखारी के बॉडी से और 5-10 मिनट आने वाला सलमान। हाजी सलमान ना है वो स्टक। दीपू क्या मुझे इसको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? 1,000 रुपए दे दे, 1,000 रुपए पर 1,000 रुपए करीब बन गए। वो बेचारा, हाँ दीपू ने मना कर दिया चले। अरे नहीं नहीं 1,000 रुपए देने के लिए बोल रहे हैं ना इसको, आप दे दो ना इसको 1,000 रुपए यार, बहुत गरीबी में देर पता हो रहा है, पता है क्या हाल है भाई? अभी ट्रैफिक है, रुको। और कहाँ हो? जिम जिम। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, कीप इट अप, कीप इट अप। दीपक तेरा एक दोस्त आया, मिलवाओ मिलवाओ, तू जानता अच्छी तरह उसको यार। रहने दो अभी, रहने दो, पता नहीं क्यों नहीं मिला ना यार। नहीं दीपक का
दोस्त है वो पर्सनल। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका नाम है, उसका नाम है दीपक हाजी सलमान। तुम फिर आ गए दीपू, ये तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तेरा दोस्त है दीपक, इसने अभी तक इसको 1000 रुपए नहीं दिए हैं भिखारी को। अरे कम ऑन मैन, वो गरीब है ना, भिखारी है। हाँ चलो ले, उसको 1000 रुपए दे दो। आ रहा हूँ मैं, करता हूँ ना थोड़ी देर में कॉल। भिखारी को 1000 रुपए दे दो, भिखारी को। कितने का है? 100 का पार्ट। बाबू गाड़ी स्टार्ट कर। उसको 1100 रुपए लगाओ, सोसाइटी में लग जाएगी बढ़िया। अरे 1000 रुपए यार, हम लोग तो ऐसे ही उड़ा देते नीचे। तुम इन सबको मैं ही रिच लग रही हूँ दीपो, सबसे रिच मैं ही हूँ क्या? तुम्हें और कोई गाड़ी नहीं दिख रही है? अरे मतलब 1000 रुपए तो हमारे ये सब लोग मुझे घेर लिए है ऑटो के पास, तुम्हारे मैं इतनी अमीर दिखती हूँ? कितने सारे भिखारी इकट्ठे हो गए यहाँ दीपक, कितने भिखारी इकट्ठे हो गए देख रहे तू? भिखारियों की फौज इकट्ठी हो गई यहाँ पे। अब ये लोग लेके ही जाएंगे दीपो, इनको पता है मैं दूंगी पैसे इनको, तभी ये लोग बोले कोई और आ गए। अरे भिखारी अगर तुम सबको 1000-1000 रुपए भी दो भी तो क्या फर्क पड़ेगा? इनको पता है, इनको दीपक का कहने का मतलब है 5-6 हजार रुपए तो ऐसे ही बांट दे इनको भिखारियों को। अरे क्या चाहिए, 5-6 हजार रुपए बांट दे इनको। भागो भूत आया, भागो भागो भागो, जल्दी भागो। अरे जाओ, तो 10,000 की गड्डी बांट दे उसके, इन सबको गड्डी दे दे। आज मैं पैसे घर भूल गई हूँ, अब जाओगे? जाओ, 10,000 की गड्डी पकड़ा दे इनको। अरे जाओ, मेरे पास पड़ी नहीं है, खड़ी वड़ी है वो दे दो, भिखारी है उनकी औकात क्या है? तो हाँ भिखारी है यार, दे दे उसको गड्डी निकाल के दे दे 10,000। क्या चाहिए? तू फिल्टर में भी ऐसा लग रहा है, तू फिल्टर हटाऊंगी तो कैसा लगेगा? क्योंकि भिखारी है वो, बदसूरत है यार, मतलब बहुत ही बदसूरत भिखारी है। अरे बहुत बदसूरत, दे दिए 10,000 की गड्डी। यार मैं कश्मीर में रहता हूँ, मुझे खूबसूरत लोगों के साथ घूमने की आदत है, मतलब ये भिखारी बहुत बदसूरत है यार। टू मच, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं यार। देखो भिखारी को अगर आप दे भी रहे हो तो वो भिखारी की शक्ल तो अच्छी होनी चाहिए, मतलब इतने बदसूरत भिखारी को तो मैं कभी भीख ना दूं। एक्चुअली उल्टा मैं उसको लात मार के भगा दूं यार। चल भग यहां से। मतलब इतने गंदे भिखारी पैदा भी क्यों होते हैं यार, इनको तो मर जाना चाहिए पैदा होते ही। मतलब भिखारी इतने गंदे भी हो सकते हैं? ओह माय गॉड, वेरी बैड। तू ऐसे कौन से रास्ते में जा रही है आज ऑटो में, कि तेरा रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा है यार, ऐसे कौन से ग्राहक के पास तू जा रही है? लाख रुपए लिए क्या पर शॉट के तूने आज? एक घंटे से ऑटो में है यार दीपक। ₹84 ये हमें इसलिए दिखा रही है, चाहती है कि हम इसको पेटीएम मारे, स्पेशली चाहती है कि दीपक इसको पेटीएम मारे। अरे मैं पेटीएम मारता था लेकिन मेरा 2.5 लाख का फ्रॉड हुआ। अभी तक देखा भी नहीं किसने 2.5 लाख मारे, क्या मारे, मैं तो चिल आउट कर रहा हूँ। अभी तूने इसको परसों ही 12,000 रुपए दिलवाए हैं मेरे से, क्योंकि तूने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल रखा है इधर उधर बांटने के लिए। उसके बाद अभी तेरे को पैसे दिखा रही है, दोबारा से इसको स्कैन चाहिए, यू नो एवरी टाइम शी नीड्स अ पेमेंट
फॉर नो पर्पस। ₹90 ये कैसी आवाज निकाल ली आपने? अरे भैया रोको, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे भैया रोको, अरे भैया। दीपक तो सेक्स यहीं शुरू कर दिया इसने यार। क्यों, क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही हो रही है क्या इसके साथ? ऐसा कुछ लग रहा है हमें। किसी जानू का फोन आ रहा है इसको। दीपक आप कहाँ चले गए? आपका आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। नो, आई एम जस्ट लाइक अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि जरा लाइव बंद करूँ। अच्छा ठीक है दीपक, ओके। सो आई जस्ट वांट टू टॉक टू माय मॉम। या ओके ओके दीपक, ओके, लव यू सो।